कंजर्वेशन, और इसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसमें हमारा चैप्टर का नेम है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो हमारा टॉपिक भी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 तथा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा महत्वपूर्ण अंश। ये क्या था, भारत सरकार ने सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया और दक्षता ऊर्जा ब्यूरो ने इसे संस्थापित किया। दक्षता ऊर्जा ब्यूरो नियमों और कार्यनीतियों के विकास में महत्वपूर्ण सरकारी कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा के प्रभाव को घटाना है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम देश में ऊर्जा दक्षता सेवाओं को प्रदान करने की प्रणालियों को मजबूत और निर्धारित करता है। इस अधिनियम में विभिन्न विभागों के आवश्यक तालमेल का विवरण होता है। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना दिनांक 1/3/2002 को हुई थी। यह दक्ष ऊर्जा के उपयोग और उसके संरक्षण की नीतियों और कार्यक्रमों में तालमेल बनाकर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के महत्वपूर्ण अंश क्या हैं, देखिए, ऊर्जा उपयोग करने वाले उद्योग संस्थापित एवं व्यावसायिक भवनों के निर्धारित उपभोक्ताओं को ऊर्जा को संरक्षित करने के बारे में सूचित करना चाहिए। नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा खपत के मानदंडों और स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करना चाहिए। प्रत्यक्ष नामित उपभोक्ताओं के लिए दक्ष ऊर्जा उपयोग हेतु प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों को नियुक्त करना चाहिए। राज्य स्तरीय सरकार को क्षेत्रीय और स्थानीय मौसम की स्थितियों के आधार पर ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को लागू करने का अनुरोध। तो फिर आता है आपका ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश क्या है। देखिए, ये फर्स्ट है आपका, ऊर्जा उपयोग करने वाले उद्योगों संस्थापित एवं व्यावसायिक भवनों के निर्धारित उपभोक्ताओं को ऊर्जा को संरक्षित करने के बारे में सूचित करना चाहिए। नामित उपभोक्ताओं को ऊर्जा खपत के मानदंडों और मानकों का निर्धारण करना चाहिए। प्रत्यक्ष नामित उपभोक्ताओं के लिए दक्ष ऊर्जा उपयोग हेतु प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों को नियुक्त करना चाहिए। राज्य स्तरीय सरकार को क्षेत्रीय और स्थानीय मौसम की स्थितियों के आधार पर ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को लागू करने का अनुरोध करना चाहिए। ऐसे उपकरणों और उपयोग को जो मानक ऊर्जा खपत स्तर के नहीं हैं के निर्माण, विक्रय, खरीदारी और आयात पर रोक लगानी चाहिए। ये किसके हैं, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के कुछ अंश। व्यावसायिक भवनों के प्रत्यक्ष मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के आदेश को मानना चाहिए। समस्त उपयंत्रों एवं उपकरणों पर ऊर्जा खपत के मानकों को चस्पा देना चाहिए। चस्पा देना मतलब लगा देना चाहिए उनको, ताकि जो बेसिक्स हैं वो पढ़ सके कोई भी। यदि ऊर्जा खपत के निर्धारित मानदंडों और मानकों का उपयोग नहीं हो रहा है तो ऊर्जा का दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना चाहिए। देखिए, हर चीज़ में एक सब्जेक्ट आ जाता है, प्लानिंग। हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि मानदंडों का यूज़ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी वेस्ट हो रही है या लॉस हो रही है, तो उसको कैसे कंज्यूम करें, उसको कैसे बेटर यूज़ में लाएं, तो इसके लिए क्या करें, इसके संरक्षण के लिए योजना बना के उसे क्रियान्वित करते हैं। फिर है स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग, ये क्या होती है, बी ई क्या था आपका, ब्यूरो ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये था ना आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशेंसी, सॉरी कंजर्वेशन बोल रही हूँ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशेंसी। तो क्या था ये, इसकी स्टार रेटिंग योजना को माननीय पावर मंत्री द्वारा मई 2006 को लागू किया गया था। यह योजना फिलहाल में निम्न उपकरणों पर लागू की गई है, जैसे कमरा वातानुकूलन एसी, पंखे, कलर टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, वॉशिंग मशीन, डीजल जनरेटर सेट, पानी का पंप, पानी का हीटर इत्यादि। स्टार रेटिंग से मतलब जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी उपकरण की ऊर्जा दक्षता कितनी है। यह 5 बिंदु पैमाना होता है, स्केल 5 पॉइंट्स का है। अगर किसी उपकरण की रेटिंग अधिक है तो उसकी ऊर्जा खपत कम होगी तथा अधिक बचत होगी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशेंसी के 1 जनवरी 2018 से भारत में बनने वाले एसी या बिकने वाले एसी के लिए
नई एसी नई स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। इस प्रणाली को भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्ष अनुपात या ISEER कहते हैं। यह कूलिंग के लिए ऊर्जा दक्षता को बताती है। ज़्यादातर BEE क्या ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशेंसी के द्वारा स्टार रेटिंग किन उपकरणों को दी जाती है जो घरों में अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं, जैसे AC है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है। स्टार रेटिंग के साथ हम साल भर में उपकरण द्वारा खपत करने वाली ऊर्जा का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे पावर खपत लिखा होता है ना आपको, वन एनर्जी यूनिट। तो क्या है, आप देखिए, ये रेफ्रिजरेटर और AC, ये हम सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ही खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेट करते हैं, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। आपको पता होगा कि एक गैस होती है जिसको हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक होती है HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो दोनों गैसेस हैं ये आपके AC से निकलती हैं। इनमें क्या होता है, जो ओजोन आपका छेद है जिसे आप कहते हो ओजोन क्षरण, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन, उसमें क्या होता है, इन गैसों का बहुत ज़्यादा योगदान है। ओजोन डिप्लीशन के लिए मुख्य रूप से CFC और HCFC जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये गैस बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं और आपकी ओजोन परत पर पहुंचकर क्या करते हैं, उसकी सांद्रता को, ओजोन को कम करते हैं। तो ओजोन परत क्या करती है, आपकी जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको क्या करती है, ऊपर ही ऑब्जर्व कर लेती है, ताकि वो खतरनाक कौन सी किरणें, UVC और UVB किरणें धरती पे ना पहुंच पाए, अल्ट्रावायलेट BC और A। इनमें सबसे हानिकारक कौन सी होती है, UVC सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। आपने सुना होगा कि UVC धरती पर पहुंच ही नहीं पाती। अगर UVC धरती पर पहुंच जाए तो क्या होगा, बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। UVB भी हानिकारक होती है, लेकिन UVC की तुलना में कम, अल्ट्रावायलेट सी की तुलना में कम। आपने देखा होगा कि बहुत सारी सनस्क्रीन्स जो होती हैं वो अपने उन पर लगा के रखती हैं कि ख़तरनाक UVB किरणों से, अल्ट्रावायलेट बी किरणों से ये आपको बचाव प्रदान करती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें भी पशुओं को, मानवों को, मतलब हर प्रजाति को नुकसान पहुंचाती हैं, UVA इतनी हार्मफुल नहीं होती हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जब ओजोन परत डिप्लीशन होता है तो UVB और UVC किरणें धरती पे पहुंचने लगती हैं। फिर है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशेंसी ने स्टार रेटिंग को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 2018 से इसे ISEER मान में देना शुरू कर दिया है। इस बदलाव के साथ ISEER मान 4 से बढ़कर 4.5 हो गया है। इसका मतलब अब जिन AC का वातानुकूलन कहते हैं ना हिंदी में, ISEER का मान 3.1 से कम होगा, उन्हें भारत में ना तो बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एनर्जी कंजर्वेट कर रहे हैं, इसलिए भी है कि ये क्या करती है, CFC भी निकालती है। एक चीज़ आपने सुना हो कि अब BS6 मानकों के इंजन का प्रयोग शुरू हो गया है, और BS4 के इंजन और 10 साल से पुराने इंजन दिल्ली में नहीं चलेंगे, या जिनका इंजन 10 साल से पुराना है 2000 से पहले के, तो वो क्यों है कि आपको पता है दिल्ली कितना पॉल्यूटेड सिटी है, तो उसके पॉल्यूशन को कम करने के लिए, इवन ये तो स्टैंडर्ड पूरी इंडिया में लागू हो चुके हैं BS6 वाले, तो बेटर है ये जो सरकार है, या जो कह सकते हैं कि हमारे जो देश की गवर्नमेंट है वो क्या है कि स्वच्छता पे विशेष ध्यान है उसका, और साथ में क्या है कि हम जो स्वच्छ ऊर्जा कैसे उपयोग करें, तो इसीलिए ऊर्जा संरक्षण भी एक कदम है, आप इसे ज़रूर उठाएं। और आप ऊर्जा संरक्षण का विशेष महत्व होता है, आप इसे क्या करें, आप छोटी छोटी कोशिशों से बहुत सारी ऊर्जा खपत होने से या वेस्ट होने से बचा सकते हैं। थैंक यू क्लास।